हाँ अब हो गया सही। अरे बेइज्जती हो जाएगा, गिर जाएंगे तो। भाई नीचे करो वो उठे। हाँ बस बच्चे इधर से खेल रहे हैं। सर मजा ले रहे हैं एकदम से। देख गिरिएगा मत बस। ओ अरे पैर रखने वाला है महाराज। सर मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा। अरे तो गिर गया था। यहाँ पे हम लोग इको पार्क है, तो इको पार्क में घूमना जरूरी है क्योंकि भाई हम लोग आए थे तो जरूर से घूमना बनता है। इको पार्क है, छोटा सा इको पार्क है, ज़्यादा वो नहीं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट आ चुके हैं हमारे विद्यालय के, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का है। हाँ आ रहे पीछे वाले गाड़ी में है। कैसा लग रहा है तुमको? तुमको तो ठंडा लगने वाला है जस्ट सेकेंड बाद। ट्रेन में बस में है तो ट्रेन में है। तो हम लोगों ने इको पार्क में यहाँ पे प्रवेश कर लिए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इस इको पार्क में क्या क्या होता है। तो पटना वाले इको पार्क में आप सबको तो पता होगा कि क्या होता है, लेकिन आप लोगों का ये नेक्स्ट ब्लॉग है, यानी कि नेक्स्ट लेवल का ब्लॉग है। तो इसमें नेक्स्ट ही चीज़ दिखाया जाएगा, वो भी राजगीर का है। और यहाँ पे कुछ पर्यावरण को लेकर के बहुत मैंने ये देख रेख किया गया है। कुछ इस प्रकार से सारे पेड़ पौधों को लगाया गया, समझ सकते हैं यहाँ पे है ना, बांस का तरीका दिखने वाला कुछ पौधा सा है। और ये एकदम अंडा सा दिख रहा है भाई, जो कि आप लोग समझ सकते हैं अंडा नहीं है। बस हम ही लोग विद्यालय के सारे बच्चा सब है और यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल का पेड़ पौधा लगाया गया है, जो कि आने वाले टाइम में ये खूब अच्छा सा हो जाएगा। और तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे जी? ओए कौन कौन चढ़ा है जी? कौन कौन चढ़ा है ऊपर? हेड सर देख रहे हो जकिया से? सब ऊपर चढ़ा फोटो खिंचा रहे तुम लोग, हेड सर देखेंगे समझ जाना। तो इस वाले इको पार्क में बस हम लोग बस नॉर्मल घूम रहे हैं, बाकी तो सारे बच्चे इधर उधर भाग गए। बस हम अकेले आप लोगों को बस एक्सप्लोर करा रहे हैं। बस आप लोग देखो भाई इको पार्क बस ऐसा ही है। तो आने वाले दिनों में इसका पूरा तरीके से एकदम से लुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ अभी लगाया गया ना छोटे छोटे पेड़ हैं, और आने वाले दिन में तो ये बड़े से हो जाएंगे। तो यहाँ का लुक एकदम से बिल्कुल से चेंज हो जाएगा। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं ना वहाँ पे चले गए हैं, तो चलते हैं वहाँ पे है ना। तो वहाँ पे हम लोग को जाने के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रास्ता है, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है, पता ना घुमा घुमा करके रास्ता है। छोड़ो उस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलते हैं, शॉर्टकट रास्ता है। मुझवानी वाला रास्ता है, कहने का मतलब ये है। तो सारे बच्चे यहाँ पे झूला खेल रहे हैं, तो इन लोगों को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये मुझवानी वाला रास्ता है, शॉर्टकट है, जो कि हमको लगता है इसे बच्चे इसी रास्ते से गए होंगे है ना। हम भी खेलेंगे वाला कुछ है। एक हाथ से हुक में नहीं करेगा। ओह माय गॉड, हाथ दर्द करने लगा यार। रे रे रे। भाई मजा आ रहा है एकदम से, बच्चा वाला चीज है। हाँ अब हो गया सही। अरे भाई बेइज्जती हो जाएगा, गिर जाएंगे तो। रुक 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 रुक। हाँ ये वाला सही है, ऐसे हमसे तो ज्यादा वही भारी है। हमसे ज्यादा तो स्टूडेंट हमारा भारी है। वाह भाई सर की बैठो। तो यहाँ पे एकदम से नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा है। भाई नीचे करो वो उठे। हाँ बस बच्चे इधर से खेल रहे हैं। तुम लोग नवा दिया जी बैठ कर के, तुम लोग तो नवा दिए जी। आपसे नहीं नवा रहे, डेढ़ सौ रुपये झूला खिला रहे हैं हमने यहाँ पे, देख रहे हैं। नहीं टूटेगा, खेले ना सर खेलिए। एसके सर कहाँ है? एसके सर कहाँ है? एसके सर बुलाए, झूला खिलाया जाए उनको भी। कैसा लग रहा है? सर मजा ले रहे हैं एकदम से। रुक जा। वेट। अरे स्वर्ग का भोजन जाते हैं, ओम दबा गए इधर ही। सही में भाई और कहीं मजा आया जाए नहीं, यहाँ पे बहुत हम लोग को मजा आया नेक्स्ट लेवल का। बैठना होता है नहीं होगा बैठी।
तो सीधा हम सर इस पर बैठ कर मजा ले रहे हैं। देख गिरिएगा मत बॉस। ओ अरे पैर रखने वाला है महाराज। तो यहाँ पे देख सकते सिटी मोंटेसरी के सीधा हम सर यहाँ पे मजा कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे लग रहा है ना सेम कलर है। कैसा लग रहा है सर बताइए? अच्छा लग रहा है। छोटे वाले बाबू के गाड़ी पे बैठ करके बिल्कुल मजा आ रहा है। हेड सर तो पूरा झूला झूल लिए। बचपन का याद ताजा हो गया सर। तो बच्चों को कुछ दिखा देते हैं, बच्चे भी काफी मजे कर रहे हैं। तो यहाँ इन लोगों को झूला झूला देते हैं। कौन आएगा वीडियो बनाने के लिए? चलो आज इसको झूला देते हैं, चलो कस के। तो मैम लोग भी इधर से झूला झूल रही हैं एकदम से। तो फोटो में वीडियो में क्या दिक्कत है? मेरे मोबाइल में भाई मजा आ रहा है, काफी दिनों के बाद से झूला खेल रहे हैं। सर मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा। अरे तो गिर गया था। तो भाई साहब और चाहे मजा आया चाहे नहीं आया, भाई हम लोगों को इको पार्क में जाकर के वो खिलौना हम लोग खेले, बहुत मजा आया है सर। खेला था झूला जो भी कह सकते हैं, सबसे मजा आया हम लोगों को वहाँ पे। और इसके में मैं और सर हेड सर सारे कोई खेले हैं हम लोग, ठीक है एकदम से मजा किया हम लोग। तो हम लोगों को उधर से आते आते शाम हो गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई जंगलों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं और एकदम से आपको गाड़ी उधर से रिटर्न नहीं आ रही है, मैंने उधर से अब केवल जो मैंने कि गए हुए हैं लोग वही वहाँ से आ रहे हैं ना, उसके बाद से यही एक रास्ता है जाने और आने का, ठीक है। और हम लोग अभी रिटर्न हो रहे हैं ना, बस अब 5 से 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये सभी बच्चे पूरा एकदम से इंजॉय किया, सब एकदम से फुल इंजॉय है ना जी। इंजॉय और ये भी हम लोगों का मैंने कहीं ना कहीं का बच्चा सब है ना हम लोगों को, ठीक। इसके पीछे हम लोगों का गाड़ी था, कहाँ गया जी गड़िया लेके? गाड़ी लेके कहाँ गया जी? ये नहीं है, आगे हो गए कहीं लगाए होंगे, देखा ना किधर है, किधर है भाई किधर है। तो यहाँ पे हम लोग को गाड़ी लगा था भाई, पता ना गाड़ी है कि नहीं लगा दिया पीछे था है ना जी। हाँ क्या है वही ना कह रहे हैं कि गाड़ी का हुआ भाई, तो गाड़ी देख सकते हैं भाई यहाँ पे है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा बैठने लगा एकदम से। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होकर के आते हैं फिर से, है ना भाई। पूरा तरीके से एकदम पूरा धूल धूल सा हो गया, उधर से रास्ता भी ठीक ठाक नहीं था, है ना पूरा एकदम से धूल उड़ रहा था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें भाई घोड़ा खटोला से हम लोग ना जस्ट अभी आ रहे हैं, और जितने भी बच्चे थे हम लोग यहीं पे सुबह में रुके थे, लगभग हम लोग 2-3 बजे करीब करीब हम लोग आ गए थे। और अभी जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं ना अभी खाना खाने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे अभी आप लोगों को करके चलते हैं। तो ये केवल एक शिवम बच्चा है बस, ये अभी ताला मार करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। सारे बच्चे का यहीं पे सब सामान वामान यहीं पे पड़ा हुआ है ना, खाना खा रहे इन लोगों को अभी नहीं मिला है ना, बैठिए ना। अरे खाओ ना खाओ, तुम इतना खा जाएगी बिल्कुल, खाना एकदम से जितना कम पड़े मांगना। तो सर अभी खाना यहाँ पे खिलाया गया था, किस प्रकार से लगा आपको? हम लोगों को खाना बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, और जो टूर का मजा होना चाहिए हम लोग उसका लुत्फ़ उठाए, और बहुत ही मैंने सराहनीय रहा हम लोग का यह पर्यटन। तो दोस्तों अभी पूरा एकदम से फुल टंच खाना खा लिए हैं, अब जाकर के एकदम से गाड़ी में बैठना है, और उसके बाद से हम लोग रात भर मैंने गाड़ी में रहेंगे, और एकदम से थकावट है भाई पूरा, हम लोग टूर घूमे हैं ना। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप लोगों ने ब्लॉग देखा तो आप लोगों ने जरूर से हमें कमेंट में बताइएगा, और जितने भी ब्लॉग देखे हैं ना भाई हमारे स्टूडेंट ही देखे होंगे, और भी आप लोग शेयर करते रहिएगा, बाकी सब तो देखे ही होंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का टूर था वो भी राजगीर का, तो जरूर से हम लोग कमेंट में बताइएगा किस प्रकार से आप लोगों को कहाँ पर मजा आया, तो वो सारी चीज़ कमेंट में बताइएगा। तो भाई मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। हम लोग ना राजगीर को चेकआउट कर रहे हैं, तो यही हम लोगों का था धर्मशाला जहाँ पर हम लोग रुके थे। तो आज हम लोग बाय बाय कर रहे हैं राजगीर को, और काफ़ी जस्ट चिल किए हम लोग, और इसको तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन इसका जॉकेट का चैन टूट गया बेचारी का, रो रही थी। नहीं नहीं चलो मजाक कर रहे हैं, रुके 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 गाड़ी है, चलो 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 चलो, अरे पागल इंसान है। ये है राजगीर का मेन चौक है ना, जहाँ पे बस अड्डा बने जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों का बस आया है, यहीं पे बस आया है हम लोगों का, ठीक है। तो हाँ वहाँ सामने लगा है, तो जितने भी लोग आ रहे हैं पीछे हैं एकदम से, और हम आगे आगे से चल रहे हैं, सारे लोग वहाँ हैं, है ना। तो यहाँ से अभी सारे बच्चों को एकदम से बैठाएंगे बस में, और उसके बाद से लेकर चलेंगे। हम लोगों का बस जो है यहाँ पे आकर के लग चुकी है, इतने सारे बच्चों को एक एक करके चढ़ाया जा रहा है ना, जो जहाँ बैठा था वहीं पे बैठेगा। चलो